राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे दीप्ति नवल के बारे में। जन्म जो है 3 फरवरी 1952 को, हिंदी फिल्मों की जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वह जो है जुनून, चश्मे बदूर, कथा और साथ साथ जैसी कलात्मक अर्थपूर्ण फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे कवियत्री, चित्रकार होने के साथ साथ कुशल छायाकार भी हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें संगीत में भी से भी काफ़ी लगाव है। वे खुद भी जो कई वाद्य यंत्र बजा लेती हैं। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में लम्हा लम्हा बहुत जो है मकबूल हुई थी। जन्म हुआ था इनका 3 फरवरी 1952 को, आयु जो है 69 साल। अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ। अमेरिका की भी जो है इनके पास राष्ट्रीयता है। हंटर कॉलेज न्यूयॉर्क से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। व्यवसाय है इनका एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और राइटर। सक्रिय वर्ष 1979 से लेकर आज तक। जीवन साथी इनके प्रकाश झा, जिनसे इन्होंने डिवोर्स लिया। इनका जन्म जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था 22 अगस्त 1997। इनका बचपन अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में बीता, जहां उनके पिता सिटी यूनिवर्सिटी में जो है शिक्षक थे। दीप्ति नवल को जो है बचपन से ही अभिनय के साथ साथ चित्रकारी एवं फोटोग्राफी का शौक था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में उस समय के जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की जो है फिल्म जुनून से की थी। लेकिन उन्हें असली लोकप्रियता 1980 में प्रदर्शित फिल्म एक बार फिर से मिली। इसके अलावा जो चश्मे बदूर और साथ साथ प्रमुख हैं, हम 5 फिल्में भी इन्होंने की थी। श्रीमान श्रीमती, अंगूर, रंग बिरंगी, एक घर। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए अपने चैनल को।